दो प्रोग्राम है, एक बुक रिलीज का है और एक टॉक है। आप लोग जो बोल रहे हो टॉक को बोल रहे हैं ना, ये बुक रिलीज बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आप अपसू आके बीच में इंटरप्ट कर दिया सेशन को, इसका कुछ रीज़न हमें जान सकती है क्या के लिए अपसू ने ये स्टेप उठाया? अपसू एक्चुअली क्या है कि चांगमा हाजोंग को लेके अपसू सिंस फ्रॉम इमेमोरेबल टाइम इमेमोरेबल हम लोग लड़ रहा है अपसू। तो इसलिए क्या है कि अपसू ये चाहता है कि चांगमा हाजोंग को अरुणाचल में हम लोग का यहाँ पे आरजू में, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो डिस्कशन में प्लेटफॉर्म में बुलाया है बोला है, तो उसमें हम लोग को सेंटिमेंट हो गया। हम लोग का सेंटिमेंट का रीज़न ये है कि हमारा यंग जनरेशन को सांगमा लोग उल्टा पुल्टा ब्रेन वॉश कर सकता है। तो इसके लिए आपसू एक सांगमा हाजोंग को लेके आपसू एक यहाँ का रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको जो है नानी बादशाह जो है विदाउट एनी कंसल्टेशन सांगमा हाजोंग का टॉपिक को आज डिस्कशन में ला रहा था। तो इसलिए हम लोग का ऑब्जेक्शन था कि एनी टाइप ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग द सांगमा हाजोंग एनी ऑर्गेनाइजर और एनी पार्टिकुलर इंडिविजुअल दे शुड हैव टू कंसल्ट विद द अपसू। तो कुछ डिस्कशन का होने से अपसू को कंसल्ट करना है, तो बिना अपसू का कोई भी हो गवर्नमेंट हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो हम लोग होने नहीं देगा। और उसके बाद में ये अपना आरजू के जो यंग जनरेशन है उसी को भी हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपसू प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? वी आर फाइटिंग फॉर द यू पीपल्स। हम लोग अपने इंडिजीनियस के लिए सांगमा हाजोंग को लड़ रहा है। काल को सांगमा हाजोंग जो है सिटीजनशिप मिलके होने से क्या है कि आप जैसे आरजू का एजुकेटेड यूथ्स लोग का नौकरी को चिन्हेगा, बिजनेस को चिन्हेगा, उसके लिए हम लोग आपसे फाइट कर रहा है। तो इसलिए भाई लोग समझना चाहिए। आपने जो स्टेप उठाया है आज, जैसे आपने इंटरप्ट किया है, द फीलिंग इज द सेम अमंग ऑल द आरजू स्टूडेंट्स आल्सो, बट सर आपने जैसे एक्शन लिया है मिडिल ऑफ द प्रोग्राम के अंदर में, ग्रुप से आपने जैसे जिंदा कर दी, जैसा आपने प्रोग्राम को जैसा है, और वायलेंस भी यूज़ किया था बीच बीच में, वायलेंस भी किया था सर, इस तरह से एज अ स्टूडेंट यूनियन आप ऐसे वे से इंटरप्ट करना शोभा देता है क्या? बट देन आई डोंट लाइक द वर्ड्स गुंडागर्दी। हम लोग गुंडागर्दी नहीं किया है, हम लोग कुछ बैलेंस नहीं किया है, हम लोग वही कि आज प्रोग्राम मत करो, हम लोग गुंडागर्दी तौर पर तो नहीं किया। वे टू स्टॉप द इवेंट, वे टू स्टॉप, दे डोंट गिव अस अ चांस टू डिस्कस, दिस इज द मैटर। कॉर्नर में जाके आप ऐसे कर सकते, बट द वे दैट यू हैव कम इन ग्रुप इनसाइड द auditorium and otherwise there is no resort, that is our last resort. ki hum log ko interrupt karne ka last resort hui tha, to ya hum log ko discussion mein bulaya, now we don't have any knowledge. Is this a good example for all the students who look up to you or just student unions hai jo you are the apex body of? it may be good example or bad example, it is the tactics of doing the this one. Our hum log ka kaam ko karana chahta hai to hum log karega aur karte rahega, जब इंडिजीनियस का बात आएगा हम लोग करते रहेगा। सर अब जैसे आज आप लोग अपना एजुटेशन एक्सप्रेस किया है, आप लोग बोल रहे हैं कि कंसल्ट नहीं किया गया है, बट अगर हम लोग पीछे देखें तो बहुत बार टीआरसी इशू जैसा अभी भी चल रहा, मतलब चकमा हाजोंग इशू बीन देयर और अभी इट्स हाई टाइम टू सेटल इट नाउ, तो डोंट यू थिंक दिस काइंड ऑफ डिस्कशन जो छोटा छोटा अभी जो स्टार्ट हो रहा है, और नानी बादशाह इज नाउ रिलीजिंग अ बुक ऑन इट, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब ऐसे स्टेप से भी ये सब ये इशू जो रिजोल्व हो सकता है? ये सब स्टेप से इशू रिजोल्व होगा ही नहीं। तो हम लोग अभी ऑलरेडी अपसू जो है राउंड टेबल यूनियन गवर्नमेंट के साथ भी बैठ चुका है, बट देन हम लोग ये सब चीज़ को हिडन एजेंडा में रख है, हम लोग यहाँ में मीडिया में बता के इसको क्या उसको क्या बोलना ज़रूरत नहीं है। बट देन ये हम लोग कई टेंजर में 3 times डिस्कशन हो चुका है, हम लोग चांगमा हाजोंग को लेकर क्या सोल्यूशन करना है। बट देन अभी इसमें मिडिल में ऐसे इग्नाइट आता है। लास्ट टाइम भी आप देखा होगा कि एक सांगमा जो है दायुन कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या नॉमिनेशन फाइल कर दिया, तो इस टाइप का हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसको पीसफुली रिजॉल्व करें, तो या इसलिए ये सब जब बात आता है तो इवन दो गवर्नमेंट ऑल्सो, तो गवर्नमेंट भी ये सब करना है तो हम लोग को कंसल्ट करता है। तो इसलिए नानी बादशाह का ये बात होने से भी ठीक है, पॉजिटिव वे में होता है तो भी हम लोग को एक बार एटलीस्ट डिस्कशन करना चाहिए था, ये हम लोग का सेंटिमेंट है। और एक्चुअली क्या है कि आरजू जैसा प्लेटफॉर्म में चांगमा को जब बोलने का मौका मिलेगा वो लोग रोना शुरू हो जाएगा, तो क्या है कि यंग जनरेशन है मेंटली, तो वो लोग इमोशन भी हो सकता है, तो बहुत लोग को डाइवर्ट भी कर सकता है वो लोग का इमोशन से। तो इस चीज़ को हम लोग क्या है कि ये सही हो या गलत हो, हम सांगमा का आवाज़ को दबाना चाहता है, यही मेरा बात, ये लास्ट वर्ड है।